सो आज की सुबह के लिए प्रभु के नाम को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम उसके नाम को प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। सचमुच हमारा परमेश्वर भला है और परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। जी हाँ, आज जो जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है गवाह बनने की आशीषें। जी हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं, हम समझने जा रहे हैं गवाह बनने की आशीषें। जी हाँ, गवाह बनने की आशीषें। पवित्र शास्त्र बहुत सारी बातों के विषय में बात करता है, लेकिन एक बात और करता है कि हम सभी लोग जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो गवाह होते हैं, साक्षी होते हैं परमेश्वर के। और परमेश्वर ने साक्षी होने के लिए, गवाह होने के लिए हम सबको बुलाया है, इसलिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। हम निकालेंगे प्रभु का वचन और इसको गंभीरता से और समझने का प्रयास करेंगे। यशायाह 43:10, यशायाह 43:43 और वचन 10 को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। यशायाह 43 उसके 10 में ऐसा लिखा गया है, यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो। वचन कहता है, यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे गवाह हो, मेरे पहले कोई परमेश्वर हुआ नहीं, मेरे पहले कोई परमेश्वर हुआ नहीं। और बाइबल कहती है मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि समझकर मुझ पर विश्वास करो, समझकर मेरी प्रतीति करो। मेरे प्यारो, आज की सुबह परमेश्वर से बात करना चाह रहा है कि तुम मेरे साक्षी हो, मतलब तुम मेरे गवाह हो। परमेश्वर ने गवाह होने के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया को, मुझे और आपको परमेश्वर ने गवाह होने के लिए चुना है। गवाह होना, गवाह होने का मतलब होता है कि हमने परमेश्वर को देखा है, हमने परमेश्वर को समझा है। दरअसल परमेश्वर का गवाह क्या होता है, पहले इसको समझ लेंगे हम लोग, तब बातें सारी आपको समझ में आएगी कि परमेश्वर का गवाह क्या होता है और क्यों मैंने ऐसा इसका टाइटल ऐसा दिया कि गवाह बनने की आशीष क्या होती है। सो परमेश्वर का गवाह क्या होता है? परमेश्वर गवाह वो होता है जिसने परमेश्वर को देखा है। हालेलुया, जिसने परमेश्वर को देखा है। अब किसने परमेश्वर को देखा है? क्या आपने परमेश्वर को देखा है? सवाल यह है, क्या आपने परमेश्वर को देखा है? अब सब लोग कहेंगे नहीं नहीं हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा, क्योंकि जो देखता है वो गवाह होता है। तो जब नहीं देखा तो गवाह कैसे होंगे? जब नहीं देखा तो गवाह कैसे होंगे? बाइबल ये बताती है, प्रभु यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। ठीक है, उस समय बात किया था प्रभु यीशु मसीह ने कि जिसने मुझे देखा उन्होंने मेरे पिता को देखा। और जब आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, वचन क्या है? बाइबल सिखाती है कि वचन ही परमेश्वर है। तो जिसने वचन को देखा मतलब वचन को पढ़ा, वचन को समझा, वचन का अनुभव लिया, उसने परमेश्वर को देखा। हालेलुया। सो हमने परमेश्वर को देखा। यदि हमने वचन को देखा, यदि हमने वचन को समझा, यदि हमने वचन के गहराइयों को महसूस किया और उसके द्वारा मिलने वाली आशीषों को और उसके द्वारा होने वाले कामों को यदि हमने महसूस किया है, तो मैं ये बात बता देना चाहता हूं आप सभी को कि हमने परमेश्वर को देखा है। देखा है इसलिए गवाह है। और बाइबल तो बोलती है कि तुमको मैंने अपने गवाह होने के लिए, अपने साक्षी होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने गवाह होने के लिए, साक्षी होने के लिए चुना है। तो पहली बात मैंने बताया कि जिसने परमेश्वर को देखा वो गवाह। दूसरी बात, जिसने अनुभव किया। सिर्फ पढ़ना या जानना नहीं होता है, लेकिन जिसने अनुभव किया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को स्पर्श किया, आपने अनुभव किया कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है, आप अनुभव करते प्रतिदिन प्रति समय उस बात को लेकर कि परमेश्वर मेरे संगति में रहता है और मुझे सिखाता है, मुझे बचाता है, ये तमाम बातें जब आप करते हो तो ये आपको अनुभव होता है। और जिसने अनुभव लिया उसने परमेश्वर को देखा और वो परमेश्वर का गवाह है, वो परमेश्वर का गवाह है। सिर्फ इतना नहीं, अनुसरण करना, जो व्यक्ति अनुसरण करता है
परमेश्वर का अनुसरण करता है। अनुसरण का मतलब यह होता है कि जो बात आप सीख रहे हो, जो बात बाइबिल से पढ़ रहे हो, जो बात बाइबिल को जान रहे हो, वो आप अपने अंदर स्वीकार कर लेते हो, अनुसरण कर लेते हो। उन बातों का आप अनुसरण करते हो कि जो मुझे सिखाया गया, जो मुझे बताया गया है, जो मुझे समझाया गया है, उन बातों का मैं अनुभव कर रहा हूं। जो अनुसरण करता है उन बातों का, परमेश्वर जो सिखाया है उन बातों का जो अनुसरण करता है, दरअसल वो होता है परमेश्वर का गवाह। यस, मतलब हमारे जीवन में, हम जो चलती फिरती बाइबिल है, मतलब हमारे जीवनों में उसके काम दिखाई पड़ते हैं, हमारे स्वभाव में उसके काम दिखाई पड़ते हैं, हमारे चाल चलन में उसके काम दिखाई पड़ते, उसका वचन दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, और जो उसका अनुसरण करता है वो उसका गवाह होता है। हमें कुछ बातें समझना पड़े तभी हम जान पाएंगे कि गवाह बनने की आशीषें क्या होती है। गवाह वो होता है जो दूसरों को ठोकर नहीं लगाता। सुनिएगा, गवाह वो होता है जो दूसरों को ठोकर नहीं लगाता है। क्योंकि एक बात याद रखना होता है कि गवाह का मतलब क्या होता है, ये सांसारिक गवाह नहीं है, परमेश्वर का गवाह है। दरअसल हम परमेश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, और मतलब जो वचन हम सीखते हैं, सिखाते हैं, अनुभव करते हैं, अनुसरण करते हैं, देखते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो वैसा का वैसा वचन हमारे अंदर उतर जाना चाहिए, वैसा ही स्वभाव हमारे अंदर उतर जाना चाहिए। हम दो रंगी नहीं होना चाहिए, एक तरफ हम प्रेम की बात करें, एक तरफ हम सच्चाई की बात करें, एक तरफ हम अच्छी बातें करें और दूसरी तरफ हम बुराई करना शुरू कर दे, पाप करना शुरू कर दे, व्यभिचार करना शुरू कर दे, गाली गलौज करना शुरू कर दे, नशा करना शुरू कर दे, दूसरे बुरे काम करना शुरू कर दे जो संसार के लोग करते हैं। क्योंकि संसार के लोग गवाह नहीं हुए, संसार के लोग गवाह नहीं है अपने ईश्वर के, क्योंकि वो सुनते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है, वैसा का वैसा नहीं करते जैसा उनको सिखाया जाता है। वो थोड़े क्षण के लिए एक्टिंग करते हैं, संसार के लोग थोड़े क्षण के लिए जब उनको अपने ईश्वर की आराधना करना होता है तो थोड़े समय के लिए पवित्र बनने की, धर्मी बनने की, अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो गवाह बन के नहीं जीते हैं। फिर जैसे बाहर निकल जाते हैं, है ना, तो शुरू हो जाता है झगड़ा करना, लड़ाइयां करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, शराब पीना, है ना, और क्या, सिगरेट पीना, दूसरे नशे के काम करना, गाली गलौज करना और पैसों का हेर फेर करना, व्यापार का हेर फेर करना, सब काम करना शुरू कर देते हैं। इसका ये मतलब है कि जो बातें उन्होंने अपने ईश्वर से सीखा है वो उसको पालन नहीं कर रहे, उसके गवाह बन के नहीं जी रहे, तो वो गवाह नहीं है। अब हम बात मसीहों की करते हैं, हम विश्वासियों की बात करते हैं। जब हम विश्वासियों की बात कर रहे हैं तो हमें इस बात को जानने की आज आवश्यकता है कि यदि मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, यदि मैंने परमेश्वर को पढ़ा है, परमेश्वर को जाना है और उसका अनुसरण कर रहा हूं, तो मेरे जीवन से दूसरों को ठोकर नहीं लगना चाहिए। जो इस बात की सावधानी बरतता है दरअसल वो गवाह है। हालेलुया। जो इस बात की सावधानी बरतता है कि मेरे कारण किसी को ठेस नहीं लगना चाहिए, मेरे स्वभाव के कारण, मेरे जीवन के कारण, मेरे व्यवहार के कारण अगर किसी को ठेस लग रही तो आप गवाह बन के नहीं जी रहे हो। तो गवाह वो होता है जो पल पल में एक एक कदम फूक फूक के रखता है, ये सोचते हुए कि मेरे द्वारा किसी को ठोकर नहीं लगना चाहिए। और अगली बार जो हम देख रहे हैं, गवाह वो होता है जो सब जगह मसीह की छाप छोड़ता है, सब जगह मसीह की छाप छोड़ता है। जहां जाएगा, जिस हालातों में जाएगा, जिस परिस्थिति में जाएगा, वह साबित कर देगा कि यह मसीह है। पौलुस और सिलास जेल में बैठे हुए हैं और उन्होंने जेल में भी, क्योंकि दिन भर मार खाई है, जेल में भी साबित कर दिया कि हम मसीह है। वे कुड़कुड़ नहीं कर रहे, वे गालियां नहीं दे रहे हैं, वे हताश नहीं है, निराश नहीं है। वे उस हालत में जब उनको मार खाई है, देह टूट रही है और हाथ पांव बंधे हुए हैं, तब भी वे, उनका मुंह खुला है और वे स्तुति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वे अपनी छाप छोड़ रहे कि हम मसीह है। यही वजह है कि उस घटना के बाद जेल टूट जाती है और दरोगा कहता है, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। वो गवाह बन के रहे जेल के अंदर में भी। पुराने नियम में हम यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ गवाह बन के रहा परमेश्वर का, क्योंकि जब उसको अपने भाइयों के साथ था, जब वो गवाही बताता था तो उसके भाई उसकी गवाही को स्वीकार नहीं करते थे, उसकी बातों को स्वीकार नहीं करते थे, उसको उठाकर उन्होंने बेच दिया, फेंक दिया, जहां जिस घर में ले जाया गया, पोतीफर के घर में, पोतीफर के घर में यूसुफ गवाह बन के रहा।
उसके परिवार में गवाह बन के रहा। बाइबल बोलती है कि पोतीफर ने इस बात को महसूस किया कि यूसुफ जिस काम में हाथ डालता है वो काम सक्सेस होता है, परमेश्वर यहोवा उसके साथ है। ये बात को पोतीफर ने भी महसूस किया था, गवाह था। जेल में गया, गवाह बन के रहा। जेल के दरोगा ने देखा कि ये इसके हाथ में तो प्रभु की सामर्थ्य है, ये जो कुछ करता है प्रभु उसके साथ चलता है, सो गवाह है। जब वो मिस्र में आया, राजा के पास आया, गवाह बन के रहा। कितने कितने उदाहरण दूं, चाहे दानियल का उदाहरण दूं, चाहे पतरस का उदाहरण दूं, चाहे मूसा का उदाहरण दूं, इब्राहिम का उदाहरण दूं, वो अन्य जातियों के बीच में रहता था, वहां वो गवाह बन के रहा। जी हां, सब जगह मसीह की छाप छोड़ना चाहिए मेरे प्यारो। मसीह का गवाह, परमेश्वर का गवाह वो होता है जो सब जगह मसीह की छाप छोड़ता है। तो ये हमने अभी तक जान लिया है कि गवाह क्या होता है, क्योंकि हमें यह सिखाया गया कि तुम मेरे साक्षी हो, तुम गवाह होने के लिए बुलाए गए हो। तो पहले यह जान लेना हमारे लिए जरूरी है कि गवाह क्या होता है, जो हमने अभी तक जान लिया है, समझ लिया है। आइए अब उन बातों को देखने का प्रयास करेंगे कि गवाह बनने की आशीषें क्या होती है। आशीषें जानने से पहले भी एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि क्यों गवाह स्पेशल होते हैं, गवाह क्यों स्पेशल होते हैं। गवाहों पर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह होता है। हालेलुया। यदि मैं परमेश्वर का गवाह हूं, यदि आप परमेश्वर का गवाह हो, तो याद रखिए आपके ऊपर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह होगा। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम अध्याय चार निकाल लेंगे हम लोग। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 एंड वर्स 33, चौथा अध्याय और 33 वचन, चौथे अध्याय का 33 वचन में ऐसा लिखा गया है, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। ठीक है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। गवाही देते रहे जी उठने की, इसका मतलब यह है कि वे उस बात के गवाह थे, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था, उनके सामने यीशु मसीहा जी उठा था। 40 दिन तक उनके साथ रहा, जी उठने के बाद भी इन सब बातों को उन्होंने महसूस किया था। तकरीबन 500 लोगों के सामने स्वर्ग में उठा लिया गया, ये बात भी वे जानते थे। तो इसका मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को देखा, उन्होंने अनुभव किया। ये वो लोग हैं जो अनुसरण करते थे, जो दूसरों को ठोकर का कारण नहीं बनते थे, और सब जगह मसीह की छाप छोड़ते थे। और यहां पे वो छाप छोड़ रहे क्या, वे यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे रहे हैं। Praise the Lord। यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे रहे हैं, वे गवाह बन के जी रहे हैं, और इसलिए बाइबल कह रही है कि उनके ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह था, उनके ऊपर बड़ा अनुग्रह था। मेरे प्यारों, जो लोग परमेश्वर का गवाह बन के जीते हैं, गवाह बन के रहते हैं, चाहे फिर आप अपने सोसाइटी में हो, अपने जहां आप काम करते जॉब करते वहां पर हो, अपने फैमिली में हो, या अपने आसपास के लोगों के बीच में हो, मैं बता देना चाहता हूं आपके ऊपर यदि आप गवाह बन के जी रहे हो, वहां पर यदि आप ठोकर का कारण नहीं बनते किसी के लिए, यदि आप मसीह की छाप छोड़ रहे हो सब जगह, यदि आप उसका अनुसरण कर रहे हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके ऊपर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह रहेगा। गवाहों के ऊपर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह रहता है, इसलिए परमेश्वर उनकी बराबर सुरक्षा करता है, बराबर सहायता करता है, उनकी मदद करता है, उनके साथ खड़ा रहता है। कई जगह बाइबल जब हम बात करते हैं, पढ़ते हैं, तो कई जगह ऐसा प्रभु ने बोला है कि जब आप सेवा करने जाओगे, भले वहां के लोग बहरी होंगे, खतरनाक होंगे, लेकिन तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर रहेगा, प्रभु की सुरक्षा साथ रहेगी। जहां परमेश्वर कहता है सुरक्षा की बात, तो सुरक्षा देता है। जहां कहता है तुझे तो मेरे नाम के कारण प्राण देना पड़ेगा, पौलुस को बोल दिया गया था कि तुझे मेरे नाम के कारण अपना प्राण देना पड़ेगा, वो तैयार था। तो गवाहों के ऊपर, जो गवाह बन के जीना चाहते हैं, उनके ऊपर विशेष प्रकार का अनुग्रह रहता है। ठीक है, अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि गवाह बनने की आशीषें क्या होती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि यदि मैं गवाह हूं तो उसकी आशीषें क्या होती है? आइए हम प्रभु के वचन से जानेंगे। गवाह बनने की जो आशीषें होती है वो इस प्रकार होती है कि इसलिए आपको एक वचन पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ निकालेंगे सब लोग, दूसरा राजा, सेकंड किंग में चलेंगे, दूसरा राजा पुराने नियम में, दूसरा राजा 8वां अध्याय, एक घटना है और वो घटना हमें कुछ बात कर रही है। दूसरा राजा अध्याय 8, सेकंड किंग चैप्टर 8 एंड वर्स 1-6, एक से लेकर
6 तक हम पढ़ेंगे दूसरा राजा अध्याय 8 का। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, सुनिए क्या हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था, ठीक है, जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था उससे उसने कहा कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। किस कौन किससे बात कर रहा है, यह बात याद रखिएगा। एलिशा एक स्त्री से बात कर रहा है, उस स्त्री से जिसके बेटे को जिलाया था। याद है वो स्त्री, वो अपने घर के पास, उसके घर के पास सेवक एलिशा गुजरता था तो अपने पति से कहते कि क्यों ना ये प्रभु का दास लगता है मुझे, अपने लिए इसके लिए घर में कमरा बनाए, एक मेज बनाए, खाना खिलाए। तो बोलता अच्छी बात है, और फिर बात होती है कि इसके तो कोई संतान ही नहीं है। तो वो एलिशा कहता कि अगले साल जब आऊंगा तो तेरे घर में जरूर संतान की आशीष पाएगी, और संतान होती है। कुछ समय पता चलता है कि वो लड़का बड़ा होता है थोड़ा सा, और बाद में वो मर जाता है, और मरने के बाद कैसे अद्भुत तरीके से एलिशा के द्वारा प्रभु उसको जिंदा करता है, ये बात हम बाइबल में पढ़ चुके हैं। अब बहुत समय के बाद बात हो रही है, वो घटना तो बहुत समय की हो चुकी है, और उस समय के बाद एलिशा उस स्त्री से बात कर रहा है कि इस शहर में, इस जगह जहां तू रह रही है, यहां अकाल पड़ने वाला है, और वो कितना दिन रहेगा, लिखा है 7 वर्ष तक बना रहेगा, 7 साल का अकाल रहेगा, इसलिए तू जहां जाना चाहती वहां जा, दूसरी जगह जाके रहे, क्योंकि यहां पर अकाल पड़ने वाला है। उस स्त्री के साथ एक चमत्कार हुआ था। अब सुनना ध्यान से, दूसरा वचन, परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही, अपने पूरा घराने के समेत कहां गई, पलिश्तियों के देश में गई, और वहां वह रहने लग गई। ठीक है, 7 वर्ष बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई, 7 साल का टाइम दिया था, 7 साल बीत गए, वहां से वह अपने देश में लौट आई और अपने घर और अपनी भूमि के लिए दोहाई देने को राजा के पास गई। मतलब घर छोड़ के गई थी, जमीन छोड़ के गई थी, खेती बाड़ी छोड़ के गई थी, कौन किसने देखभाल किया, किसने उसको खरीदा, किसने बेचा, किसने काम किया, कोई अता पता नहीं है ना। तो उसकी दोहाई देने के लिए, उसके विषय में न्याय करने के लिए वो राजा के पास गई। अब सुनिए चौथा वचन, राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था। गेहजी कौन था, एलिशा का सेवक। सो उससे राजा बात कर रहा था और उसने कहा कि जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किए हैं उन्हें मुझे वर्णन कर, उन कामों का मुझसे वर्णन कर, क्या क्या काम किए। पांचवा वचन, जब राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और अपने भूमि के लिए दोहाई देने लगी। जब वो बात ही कर रहा था तभी वो स्त्री वहां पर आ गई राजा के पास में, तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलिशा ने जिलाया था। वो तो आई अपने काम से और राजा से बात हो रही है गेहजी की, कि गेहजी बता रहा कि एलिशा ने कैसे कैसे बड़े काम प्रभु के नाम से किए हैं, और इस स्त्री पे नजर पड़ी तो कहा यही वो स्त्री है जिसके बेटे को प्रभु ने जिंदा किया था, यही वो स्त्री है, ये उसका बेटा खड़ा है बाजू में, वो भी वही है। सुनिए, तब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कुछ कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब उसे फेर दे। हालेलुया, कुछ समझ में आया स्टोरी में क्या हुआ है ना, ये घटना जो हुई या बाइबल में इसमें क्या हुआ था। दरअसल ये गवाह बनने की आशीष है यहां पर। क्या गवाही थी, गवाही ये थी कि ये औरत खुद एक गवाह है इस बात की, ये स्त्री खुद एक इस बात गवाह है कि इसने अपने बेटे को, पहला काम था बच्चा था नहीं, दूसरी गवाह है कि बच्चा हो गया, तीसरा गवाह है कि बच्चा मरने के बाद भी जिंदा हो गया। तो ये स्त्री इस बात की बहुत बड़ी गवाह है, ठीक है, गवाह है। और वह अकाल के कारण, शायद ये ऐसी स्त्री है जिसको पहले से ही चेतावनी दी गई थी यह अकाल पड़ने वाला है, इसलिए कहीं और जाके रहे, शायद दूसरों को चेतावनी नहीं मिली होगी, तो वहां जा गई, वहां भी सुख से रही, अच्छे से रही, लौट कर आई। कई बार ऐसा होता है, लौट कर आने के बाद ऐसा होता था कि सब कुछ बर्बाद हो जाता था और फिर उनको नए सिरे से सारी चीजें तैयार करना पड़ता था, इकट्ठा करना पड़ता था। अब वो चली तो गई
और यहां जो अकाल के दौरान अपने घर अपनी जमीन सब कुछ छोड़कर गई थी, तो राजा क्या करता था, जिसका खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, खाली जमीन पड़ी हुई है, उसके ऊपर काम करेगा, खेती करेगा, इनकम कमाएगा उसके ऊपर में, और वो राजा की कहलाएंगी, वो राजा ही कहलाएंगी। और ये महिलाओं को जो जिसका जो भी होगा वो जाकर उनको वहां से छुड़ाना पड़ता था, कभी कभी तो पैसा देना पड़ता था, इस सब चीजों के लिए कीमत चुकानी पड़ती थी। पर यहां उल्टा हो रहा है, ये स्त्री पलिश्तियों के देश में सुख से रही, जब अपने घर में आई तो घर में उसने लौट के आई तो जो बर्बादी का देश था, 7 साल का अकाल में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके दौरान भी जो कुछ आमदनी उसके खेती और घर और जमीन के ऊपर जो आमदनी हुई, राजा कहता है एक हाकिम को उसके साथ भेज दिया, बोले जो जो इसका था, जितनी जितनी आमदनी इसके मकान के ऊपर, इसके खेत के ऊपर, इसके जमीन के ऊपर हमने कमाई है, वो सब की सब आमदनी इसको लौटा दी जाए। क्या वजह है, जबकि उससे लेना चाहिए, उसको जमीन वापस करने से पहले उससे लेना चाहिए, क्योंकि इतने दिन तक देखभाल किया है, वापस लौटा दिया, क्योंकि गवाही है, मध्यस्थ है गवाही, वो गवाही, ये औरत एक गवाही है, उसके जीवन में परमेश्वर की गवाही है, और गवाही के कारण खोई हुई आशीषें उसको मिल गई। गवाह बनने की आशीष यह है मेरे प्यारों, खोई हुई आशीषें उसको मिल गई। कई बार हम अपने जीवनों में बहुत सारी बातें खो देते हैं, बहुत सारे आशीष खो देते हैं, और ऐसा लगता है कि अब मुझे वापस पा भी पाऊंगा या नहीं पा पाऊंगा, ऐसा लगता है खो दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्या आप गवाह हो, क्या आप गवाह बनकर जी रहे हो, क्या गवाह बनकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो परमेश्वर के राज्य में। यदि आप गवाह हो तो गवाहों के साथ प्रभु का वादा है, तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे साक्षी हो, और मैंने तुम्हें चुना है। यस, प्रभु ने चुना है, और जब प्रभु ने चुना है तो क्या करना है, प्रभु ने चुना है तो आप गवाह बन के जीना है। बस गवाह बन के जीने का मतलब क्या करना है, क्या करना क्या है, मैंने कुछ बातें बताया आपको। गवाह, परमेश्वर का गवाह वो होता है जिसने परमेश्वर को देखा, ये स्त्री वो जिसने प्रभु के कामों को देखा था, अपने जीवन में अपने घर में प्रभु के कामों को देखा था, मैंने कहा जिसने अनुभव किया, ये वो स्त्री थी जिसने अनुभव किया परमेश्वर के कामों का। मैंने कहा था अनुसरण करना, पवित्रता में अनुसरण करना, ये स्त्री अनुसरण किया, दूसरों को ठोकर नहीं लगाना, ऐसे जीना पड़ता है कि मेरे जीवन से किसी को भी ठोकर ना लगे, अपने जीवन से ठोकर नहीं लगना चाहिए किसी को, मेरे स्वभाव से, मेरे व्यवहार से, मेरे चाल चलन से, मेरी बातों से किसी को भी ठोकर नहीं लगना चाहिए, इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है मेरे प्यारों। वैसा वो जी ठोकर कारण में, और सब जगह मसीह की छाप, यहां पर भी उसने राजा के सामने गवाही दी, हाँ प्रभु ये जो गेहजी बात कर रहा है ये सही बात है, मेरे साथ प्रभु ने अपने दास एलिशा के द्वारा बड़ा चमत्कार किया है। वो जो गवाही उसके जीवन में आई और वो जो सच्ची बात निकली, उस गवाही के कारण खोई हुई सारी आशीषे उसको मिल गई थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप गवाह बन के जीते हो पर इस सोसाइटी में जहां आप रहते हो, जहां आप काम करते हो, जहां आप पैसा कमाते हो, जहां अपना घरवार चलाते हो, वहां एक बात याद रखिए, गवाह बन के जीना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी आए, हालात कैसी भी आए, आपको नहीं भूलना है कि मैं कौन हूं, याद रखना है मैं मसीह हूं। सबकी नजरें आप पर नहीं होगी लेकिन परमेश्वर की नजर आप पर होगी, जहां आप काम करते हो कोई पहचानता नहीं आपको, परमेश्वर तो पहचानता है, परमेश्वर की नजर आप पर है, जहां आप रहते हो प्रभु की नजर वहां पर है। लोगों से छुपने का प्रयास मत करो, लोगों से छुप भी जाओगे परमेश्वर से नहीं छुप सकते हो। यदि गवाह बन के रहोगे तो एक बात याद रखिए, जितना कुछ खो दोगे वापस मिल जाएगा, शायद डबल। अय्यूब को मत भूलना, अय्यूब गवाह बन के जिया, बाइबल सिखाती कि कैसा वो जीवन जिया। हाँ, एक बात और है कि एक समय ऐसा भी आया कि वह थोड़ा सा कुड़कुड़ भी करने लगा, लेकिन पश्चाताप भी किया और बदल गया और प्रभु ने उसको आशीष दिया। कितनी दिया? जितना वो खो चुका था उससे दुगनी, उससे डबल आशीषे परमेश्वर ने अय्यूब को लौटाया, क्योंकि वो गवाह बन के जीना। आपको और मुझे प्यारो, गवाह बन के जिया, सबकी छोड़िए, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण बताना चाहता हूं। यीशु मसीह इस दुनिया में गवाह बन के जिया, है ना, परमेश्वर का गवाह बनकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जिया। तो प्रभु यीशु जब जिया और उसके बाद जो स्वर्ग में लौटा, तो बाइबल कहती है कहां बिठाया परमेश्वर ने उसको,
अपने सिंहासन पर अपने दाहिनी ओर बिठाया और उसके बाद क्या दिया, उसके बाद पूरा अधिकार दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दे दिया। मेरे प्यारो, जो कुछ यीशु मसीह छोड़कर आया था और जो उसने यहां गवाह बन के जिया, जब वो लौटा तो बहुत सारे अधिकार और बहुत सारी बातें पिता ने अपने पुत्र के नाम कर दिया, सारा अधिकार उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया, ये होता है गवाह बन के जीना। अगर आप गवाह बन के जियोगे तो अपनी खोई हुई आशा, आपने अपने परिवार में, घर में, व्यवहारिक जीवन में जो कुछ खो दिया है सब आपको वापस मिलने वाला है। दूसरी बात, इब्रानियों 11 में खोलेंगे, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 4 एंड 5, 11 अध्याय और चौथा और पांचवा वचन इब्रानियों का ऐसा कहता है, सुनिए क्या होता है। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी। किसने गवाही दी? परमेश्वर ने गवाही दी कि हाबिल धर्मी है ना, क्योंकि हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। सिर्फ हाबिल के बारे में गवाही नहीं दी, हाबिल ने जो भेंट चढ़ाई थी भेंट के बारे में भी परमेश्वर ने गवाही दी, इसलिए बाइबल बोलती है कि मरने के बाद भी हाबिल बात कर रहा है। यस, थोड़ा आगे पढ़ लेंगे। अच्छा, पहले हाबिल पर बात करते हैं कि गवाहों के मरने पर भी गवाही नहीं मरती है। एक चीज याद रखना, गवाहों के मरने पर भी गवाही नहीं मरती है, क्योंकि परमेश्वर से गवाही दे रहा है। परमेश्वर हाबिल के बारे में गवाही दे रहा है, परमेश्वर हाबिल की भेंटों के बारे में गवाही दे रहा है, और इसलिए वो सच्चा था हाबिल, वो गवाह बन के जिया। भले उसका खून हो गया, उसके भाई ने उसका खून किया, लेकिन वो गवाह बन के जैसे लिखा है कि मरने के बाद भी अब तक बात करता है। इसका यह मतलब है कि हाबिल का विश्वास, हाबिल के कर्म, हाबिल का परमेश्वर के साथ समर्पण आज नए नियम की कलीसियाओं के लिए एक उदाहरण है, एक आशीष कारण। लोग हाबिल को अपने जीवन में उसका आदर्श बनाना चाहते हैं। हाबिल आज भी बात करता है, हाबिल आज भी बात करता है, मतलब हाबिल का विश्वास, हाबिल के कर्म, हाबिल का अनुसरण आज भी बात करता है। जो गवाह होते हैं मरने के बाद भी उनकी गवाही कभी नहीं मरती। याद रखना मेरे प्यारो, यदि हम संसार से चले भी जाए लेकिन गवाह बन के जीना है, संसार से चले भी जाए आपकी गवाही को याद कर करके लोग आशीष पाएंगे, आपके जीवन को याद कर करके लोग आशीष पाएंगे, है ना। जब हम जिंदा रहते हैं तो सब हमारे मुंह पे हमारी तारीफ करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, लेकिन ऐसा जीवन जिए कि हम मरने के बाद 5 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद भी लोग याद करें कि मुझे उसके जैसा जीना है, जैसा वो जिया था, जैसी वो बहन जी थी, जैसा 10 साल पहले भाई जिया था, मर गया लेकिन हमारे लिए गवाही छोड़कर गया, नमूना छोड़ के गया, मुझे वैसे ही जीना है। मरने के बाद भी आपकी गवाही काम करना चाहिए। ये गवाह बनने की आशीष है मेरे प्यारों, कि गवाह के मरने के बाद भी उसकी गवाही नहीं मरती। इतना ही नहीं, आगे और लिखा है, पांचवा वचन उसी अध्याय का 5वां वचन लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया, क्या सुंदर बात है। किसके बारे में बात हो रही है? ये मरे हुए लोगों के बारे में बात हो रही है, नए नियम में बातें हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, मरे हुए लोगों के बारे में, मतलब जो प्रभु में सो गए हैं उनके विषय में बात कर रहे हैं। हमने हाबिल के बारे में बात किया, यह वचन कहता है हनोक के बारे में बात किया, वो तो जिंदा ही उठा लिया गया, पता नहीं, उसका पता ही नहीं चला बाद में कि कहां गया, कैसे हुआ करके, लेकिन उठा लिया गया, लेकिन उसके बारे में गवाही दी गई पवित्र शास्त्र में, ऐसा वचन बोलता है। कितनी अच्छी बात है, पवित्र शास्त्र गवाही देता है इन बातों की। गवाही दी, क्या गवाही थी, क्या गवाही होना चाहिए विश्वासियों की? ये जैसे हनोक की थी, क्या लिखा है, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। कैसे गवाह होना चाहिए हमने? हमने ऐसे गवाह होना चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, प्रसन्न करें। इसलिए मरने के बाद भी गवाही नहीं मरती, मरने के बाद गवाही जिंदा रहती है। लोग याद करेंगे कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, भले ही गरीबी में जीवन बिताया, कम पैसों में जीवन बिताया, कम चीजों में जिया, कभी दूसरे देशों में नहीं गया, बड़ी बड़ी वस्तुएं नहीं खाने को मिला, पहनने को नहीं मिला, लेकिन उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया।
और वो वैसा जीवन लोग जीना चाहते हैं। आज लोग खुशी से अपना नाम हनोक रखना चाहते हैं कि मेरा नाम हनोक है। बहुत सारे लोगों का नाम हनोक है भाई, मतलब दुनिया में भी, संसार में भी। मेरे बहुत सारे मित्रों का नाम हनोक है। जी हाँ, हनोक नाम रखना चाहते क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। लोग अपना नाम हाबिल रखना चाहते हैं क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। मरने के बाद भी गवाही नहीं मरती मेरे प्यारो, गवाह बनने की ये आशीषें होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए अगली बात, अय्यूब को पढ़ना पड़ेगा हमें। आइए हम अय्यूब की पुस्तक को निकाले, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 29 एंड वर्स 11 टू 13, 29वां अध्याय 11 से लेकर 13, 11 12 13 29वें अध्याय का। सुनिए क्या कहता है अय्यूब, जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था। ठीक है, जब कोई मेरा समाचार मतलब मेरे कामों का चर्चा सुनता था तब मुझे धन्य कहता था। कौन? अय्यूब कह रहा अपने बारे में, धन्य कहता था। और जब कोई मुझे देखता था, जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था। अय्यूब कहता है जब कोई मुझे देखता तो मेरे बारे में साक्षी देता था, मुझे सुनता तो मुझे धन्य कहता था। आगे सुनिए, क्योंकि मैं दोहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। क्यों लोग अय्यूब को याद करते हैं? क्यों लोग अय्यूब को धन्य कहते थे? क्यों लोग अय्यूब के बारे में साक्षी देते थे जब उसको देखते थे? क्योंकि अय्यूब ने क्या किया था? अय्यूब कहता है दोहाई देने वाले दीन जन को मैंने, क्योंकि मैं दोहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था, मतलब मदद करता था ऐसे लोगों की। आगे लिखा है जो नाश होने पर था वो मुझे आशीर्वाद देता था। अय्यूब कहता है जो नाश होने पर था, मरने पर था, वो इंसान मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। अपने बारे में बात कर रहा अय्यूब, मैं कैसा जिया, मैं कैसा काम किया, मैं कैसा रहा, है ना। अय्यूब एक ऐसा गवाह है जो दूसरों के लिए आशीष का कारण है। सिर्फ गवाह जो होता है वो अपने आप में आशीष नहीं पाता है, परमेश्वर का गवाह दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। यस, जो प्रभु के गवाह होते हैं वो दूसरों के लिए आशीष कारण बनते हैं। जैसा अय्यूब, अय्यूब बोलता है मेरे बारे में लोग गवाही देते हैं कि मैं कैसा जिया, अनाथ, जो अनाथ है, बेसहारा है, दोहाई देने वाले है, उनकी मदद करता था, विधवाएं आनंद करती थी क्योंकि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था और अय्यूब उनकी सुधी लेता था। जो मर रहे नाश हो रहे वो अय्यूब को आशीर्वाद देते थे क्योंकि अय्यूब एक ऐसा गवाह बन के उनकी मदद करता था। मेरे प्यारो, गवाह जो होते हैं वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। ये गवाह बनने की आशीष है, ये जो हमने पढ़ा है ये गवाह बनने की आशीष है। यदि आप गवाह बनते हो तो आपके जीवन से दूसरों को आशीष जाएगी। यस, जाएगी। जहां आप बात करोगे, जहां आप स्पर्श करोगे, जहां आप खड़े रहोगे, दूसरे आपके द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। आप कितनी बार आपने महसूस किया होगा ऐसा, पता नहीं मुझे, कितना आप जानते हैं ऐसा कि मैं किसी के घर गया, मैं किसी से बात किया, मैंने किसी को फोन किया और सामने वाले ने यह जवाब दिया, तुम्हारे बात करने से, तुम्हारे टच करने से, तुम्हारे स्पर्श करने से, मेरे घर में उपस्थिति रखने से मैंने अपने जीवन में बहुत शांति पाई, मैंने बहुत आनंद पाया, मैंने बहुत सुकून पाया, मैंने प्रभु की उपस्थिति को देखा, है ना। जब याकूब और एसाव का मिलन हुआ तब एक बात थी, मैंने तेरा दर्शन मानो परमेश्वर के समान पाया। ऐसा होना चाहिए, मैंने तेरा दर्शन मानो परमेश्वर के समान पाया। जब आप मिलते हो तो यह गवाही आना चाहिए। लोग कहे इलीशिबा से मरियम मिली तो कहा तेरा सलाम सुनते ही मेरे पेट का बच्चा उछल पड़ा और उसने पवित्र आत्मा से पाया, धन्य है तू स्त्री, तुझे परमेश्वर ने चुना है। यह होना चाहिए गवाह। मरियम ऐसी गवाह थी। यस मेरे प्यारो, हमें याद रखना है अगर आप गवाह है तो ही आप दूसरों के लिए आशीष कारण बनोगे, वरना लोग कहेंगे ये मेरे घर में ना आए तो अच्छा है, मुझसे फोन ना करे तो अच्छा है, मुझसे बात ना करे तो अच्छा है, कि जब जब ये बात करता है तब तब मेरे घर में पनौती आ जाती है। ऐसे कहने वाले भी बहुत लोग हैं मेरे प्यारो। हम इसलिए दूसरों के लिए दुख का कारण ना बने लेकिन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आशीष कारण कब बन सकते? जब पहले आप गवाह बनोगे परमेश्वर के।
हमने ये सीखा आज कि गवाह बनने की ये आशीष है। गवाह क्या करते हैं, खोई हुई आशीष भी उनको मिल जाती है जैसा उस स्त्री को मिली। हमने देखा गवाह मरने पर भी उसकी गवाही नहीं मरती, हाबिल के बारे में और हनोक के बारे में देखा मरने पर भी उनकी गवाही नहीं मरती, और हमने अय्यूब के जीवन से सीखा कि गवाह दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। क्या आज आप बनना चाहते हो, क्या आप आशीष कारण बनना चाहते हो, क्या आप खुद गवाह बन के वो आशीष प्राप्त करना चाहते हो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है? यदि है तो आइए हम दुआ करें, प्रभु के सामने झुके और प्रभु से मांगे जैसा विशेष अनुग्रह गवाहों पर था। हमें गवाह बन के जीना है, सुसमाचार भी सुनाना है, यीशु के बारे में बात करना है, हमें याद रखना है। सिर्फ इतना नहीं, जीवन में भी, ये तो यीशु का सुसमाचार सुनाना बाहर का काम हो गया, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी गवाह बन के जीना है। तो इस बात को याद रखना मेरे प्यारों, और हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु से मांगने जा रहे, प्रभु वो विशेष अनुग्रह देना मेरे ऊपर में, विशेष अनुग्रह जो गवाह के ऊपर था। आइए प्रभु से अनुग्रह मांगे। पिता यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद 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 करते प्रभु। प्रभु आपने हमें गवाह होने के लिए चुना है, आपका वचन कहता है कि तुम मेरे साक्षी हो, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम मेरे नाम की घोषणा करो, मेरे नाम की प्रशंसा करो। यस लॉर्ड, तूने हमें इसलिए चुना है अपनी सेवा के लिए, अपने नाम के लिए। हे प्यारे पिता परमेश्वर, अनुग्रह मांगते कि हम गवाह बन के जीने वाले बने, इस संसार में छाप छोड़े, मसीह की छाप छोड़े पिता परमेश्वर, हम अनुभव करें पिता परमेश्वर, हम कभी किसी दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने प्रभु जी, और ऐसा जीवन जिए कि लोग, चाहे अन्य जाति के लोग हो, चाहे हमारे मसीह भाई बहने हो, जब हमसे मिले तो कहे मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा विश्वास करना है, मुझे तेरे जैसे प्रभु पर, प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु ऐसी बातें करने वाले बने। प्रभु हमारे जीवन की गवाही बहुत कमजोर है, संसार में हमारी गवाही बहुत खराब है, पड़ोसियों में हमारी गवाही बहुत खराब है, जहां हम काम करते पिता वहां हमारी गवाही खराब है। हे पिता हमें अनुग्रह दे कि हम गवाह बन के जीने वाले बने। जिस प्रकार वो स्त्री ने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन सिर्फ गवाही के कारण उसको वापस मिला, यीशु की गवाही हमें ऐसे बना पिता परमेश्वर कि हमने अपने जीवनों में बहुत सारी आशीषों को प्रभु जी हम प्राप्त करने वाले बने ईश्वर राजा। यस प्रभु, गवाहों को तू वो देता है, ये हम विश्वास करते हैं। हाबिल के समान जो आज भी उसकी गवाही बात करती है, हनोक के समान जिस ऐसा जिया जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, हमें बनाइए वैसा कि हम भी अपने परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने वाले बने पिता परमेश्वर। अय्यूब के समान वैसा बना पिता कि उसका जीवन एक गवाह था, लोग उसको याद कर करके आशीर्वाद देते थे और उसी गवाही की बात करते थे। यीशु राजा प्रभु हमें ऐसा बना कि हम ऐसे गवाह बने कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। प्रभु हम पर दया कर, अनुग्रह कर और आशीर्वाद दे। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते पिता परमेश्वर, हमारे सारे बहन भाइयों को यीशु के नाम से गवाह बनने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद 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 करते, आएगा समय आपके हाथ में देते हैं, धन्यवाद करते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन।